हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जी एस मर्तोलिया, लेक्चरर इन बायोलॉजी। आज का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन का निर्माण जिस सिद्धांत के आधार पर होता है उसे सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है। सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अनुसार सबसे पहले डीएनए बनता है, डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है या डुप्लीकेशन इसका हो जाता है, डीएनए से डीएनए बनता है और इसको डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहा जाता है। डुप्लीकेशन, इसी को रेप्लिकेशन भी कहा जाता है और हिंदी में इसको कहा जाता है द्विगुणन। द्विगुणन इसमें जो डीएनए है, मान लीजिए डीएनए है, ये डीएनए है, तो इससे जो डीएनए है वो डबल हो जाएगा, उसमें डीएनए की मात्रा इसमें डबल हो जाएगी, तो इसको डुप्लीकेशन कहा जाता है। फिर डीएनए से बनता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, इसमें से जो डीएनए है इसमें से यहां पर बन जाता है एम आरएनए, इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन या हिंदी में इसको कहा जाता है अनुलेखन। अनुलेखन फिर एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन और हिंदी में इसको कहते हैं अनुवादन। बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं वह अमीनो एसिड्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अलग अलग अमीनो अम्ल जो है अलग अलग क्रम में जुड़ने पर नए नए किस्म के प्रोटीन्स बनते हैं। जितने भी एंजाइम्स शरीर में बनते हैं या किसी जीवधारी में बनते हैं वो सब प्रोटीन होते हैं। इसमें जो पहला जो स्टेप है वह है ट्रांसक्रिप्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन जो डीएनए में सूचनाएं हैं इन सूचनाओं को ट्रांसफर किया जाता है एमआरएनए में, क्योंकि डीएनए से बनता है एमआरएनए और डीएनए की सूचनाएं एमआरएनए में चली जाती हैं। केवल अंतर इतना होता है डीएनए और एमआरएनए की में न्यूक्लियोटाइड्स में कि इसमें थाइमिन होता है, इसमें जो बेस होता है इसमें थाइमिन होता है और इसमें यूरेसिल होता है। और जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन तीन स्टेप्स या तीन चरणों में पूर्ण होता है। पहला जो इसका स्टेप है उसको कहा जाता है इनिशिएशन, इनिशिएशन या प्रारंभन। इसमें क्या होता है, इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह प्रोमोटर रीजन से जुड़ जाता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत इसके बाद होता है। दूसरा स्टेप है इसको कहा जाता है इलोंगेशन, इलोंगेशन या इसको कहा जाता है दीर्घीकरण। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाते हैं और जो एमआरएनए का स्टैंड है वो लंबा होते रहता है, तो इसको दीर्घीकरण कहा जाता है। तीसरा आता है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन
या हिंदी में इसको कहते हैं समापन, समापन। इसमें जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन रीजन तक पहुंचता है, डीएनए के टर्मिनेशन रीजन तक पहुंचता है, तो उसके बाद जो अनुलेखन की जो प्रक्रिया चल रही होती है वो वहां पर बंद हो जाता है। तो ये तो है टर्मिनेशन तक। अब हम स्टेप वाइज इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इनिशिएशन को। इनिशिएशन पहला जो स्टेप है वह है इनिशिएशन, और इसको कहते हैं प्रारंभन, प्रारंभन। जो डीएनए होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि उसमें दो सूत्र होते हैं डीएनए बना लेते हैं। थ्री प्राइम, फाइव प्राइम। जो थ्री टू फाइव टाइम, फाइव प्राइम डायरेक्शन में होता है, इसको कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। यह सांचे की तरह काम करता है। इसी से, इसी स्ट्रैंड से सूचनाएं एमआरएनए में जाती हैं। दूसरा होता है फाइव प्राइम, थ्री प्राइम एंड, और इसको कहा जाता है कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। तो इसमें हम एक शब्द का प्रयोग करें बार बार, आपने लिखा थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम या फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम। ये क्या है? ये अगर आप देखो तो जो डीएनए होता है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये एक दूसरे डाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड को देखें, न्यूक्लियोटाइड को, तो इसमें देखिए क्या क्या जुड़ा होता है। एक तो होता है इसमें बेस, बेस क्या क्या हो सकता है, बेस देखो एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये तो डीएनए में होता है, डीएनए में। अगर आरएनए है तो इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। ये चीज होती है, एक तो बेस होता है, दूसरा होता है सुगर। अब सुगर क्या होता है? अगर डीएनए है तो डीएक्सी, डीऑक्सीराइबोस सुगर, आरएनए है तो राइबोस सुगर, ये होता है। और तीसरा होता है फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट शुगर होता है। तो इन तीनों से मिलकर के ही न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर आप जो न्यूक्लियोटाइड बना है इसमें जो शुगर है, शुगर में अगर आप देखेंगे राइबोस शुगर हो या डीऑक्सीराइबोस शुगर हो, उसको उसमें कार्बन श्रृंखला अगर जोड़ेंगे आईयूपीएसी के अनुसार एक सिरे से दूसरे सिरे पर, तो ये जो थ्री है ये तीसरे नंबर का कार्बन है, ये पांचवें नंबर का कार्बन है जिसको गिना जा रहा है। तो एक चित्र देखिए पहले, अगर आप चित्र देखेंगे तब ये क्लियर हो पाएगा। ये एक बेस, अब क्योंकि ये डीएनए है, ठीक, इसके इस सिरे पर ये तो कार्बन श्रृंखला एक, कार्बन श्रृंखला दो, तीन, ये चार और पांचवा, यहां तो होता है सी एस टू, ये कार्बन श्रृंखला ये पांच। अगर आप यहां देखें, यहां तो बेस जुड़ा होता है, बेस का मतलब यहां ये बेस, इनमें से कोई एक। और अगर यहां पर देखें एक दो तीस, तीसरे नंबर में देखिए क्या जुड़ा है, ये और अगर यहां पर देखें यहां क्या जुड़ा है, यहां पर अगर आप देखेंगे ये दूसरा शुगर,
दूसरा सुगर, तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी बेस जुड़ा होगा, ये बेस जुड़ा होगा, तो यहां पर ये एक कार्बन जो एटम है वो एक, कार्बन एटम दो, कार्बन एटम तीन, कार्बन एटम ये चौथा, या होता कार्बन एटम पांचवा। तो अगर आप देखेंगे तो जो दो ये जो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं ये दोनों अगर आप देखेंगे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसको कहते हैं, इससे जुड़े हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक सिरा ये है, ये तो इसमें हमने दो ही बता रखा है, दूसरा सिरा देखा जो दूसरा एक सिरा खुला हुआ ओपन ये है, दूसरा यहां पर है CH2 में। फिर आप इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें फिर ये जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा यहां। अब यहां पर देखिए एक सिरा ये थ्री वाला, दूसरा सिरा ये फाइव वाला, ये ओपन है। उसी प्रकार अगर आप न्यूक्लियोटाइड दो से जगह चार पांच आठ दस जैसे बढ़ते रहेगा तो एक सिरा इसका क्या होगा, यहां पर खुला होगा, एक सिरा यहां पर खुला होगा, यानी कि एक सिरा खुला होगा जहां पर कार्बन का तीसरा नंबर का एटम है, यहां कार्बन का पांचवा नंबर का एटम है। तो यही स्ट्रेंथ दिखाता है जो आप दिखा रहे हैं, ये थ्री प्राइम यानी कि तीसरा सिरा है कार्बन का। अगला जो शुगर है यहां पर लास्ट में जो जुड़ा होगा वहां पर पांचवा सिरा है। तो ये डायरेक्शन दिखाया जाता है, ये आपस में तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होगा, लेकिन ये जो दो स्टैंड है, एक स्टैंड ये है कि एक रज्जु क्या है, दूसरा रज्जु मान लीजिए ये वाला है, तो दूसरा रज्जु इसके बगल में होगा, तो दो बेस है। अगर इसमें इसको मैं मिटा के आपको दिखाऊं, तो यहां पर मान लीजिए यहां पर जो बेस है एडिनिन है, ठीक है, और यहां पर जो है ये ग्वानिन है। अब इसमें क्या होगा, जो अगला बेस होगा जैसे एडिनिन थायमिन से जुड़ता है तो डबल बॉन्ड है ये एडिनिन थायमिन, उसी प्रकार ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है साइटोसिन, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर वही यही चीज आ जाएगी जैसे हमने ये दिखा रखा है, एक स्ट्रैंड इस तरफ है, एक स्तर इस तरफ है। अब इनके बीच जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बंद है, डीएनए से जुड़ता है, तब ऐसी स्थिति में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसमें एक टेम्पलेट स्टैंड है, एक तो टेम्पलेट हो गया, एक टेम्पलेट, दूसरा कोडिंग स्टैंड है ये तो हो गया थ्री प्राइम फाइव प्राइम, ये वाला हो जाएगा, थ्री प्राइम ये फाइव प्राइम और ये फाइव प्राइम थ्री प्राइम, ये दोनों जो स्टैंड है अलग अलग हो जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जुड़ने से। तो सुविधा के लिए हम इसको सीधे लिख देते हैं इस प्रकार, ये एक दूसरा ये, इस प्रकार ये अलग हो जाते हैं थ्री फाइव फाइव थ्री, ये स्टैंड इस प्रकार होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो डीएनए बीच में सॉरी जो हाइड्रोजन बंद होता है इनके बीच में, ये टूट जाता है जहां पर अगर प्रोमोटर रीजन में जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है वहां पर यह हाइड्रोजन बंद इनके बीच टूटने लगता है और यहां पर एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है। ट्रांसक्रिप्शन बबल क्या है, यहां देखिए जरा, ट्रांसक्रिप्शन बबल इसमें सीधे बना रहे सुविधा के लिए, ये इसमें ये वाला हिस्सा ये
आरएनए पॉलीमरेज, अब इसमें भी एक सब यूनिट इसका जुड़ा होता है, इसको हम कहेंगे ये सिग्मा फैक्टर या सिग्मा सब यूनिट, सिग्मा सब यूनिट, सिग्मा सब यूनिट की वजह से ही ये जो है इनिशिएशन हो पाता है, प्रमोटर रीजन में जुड़ जाता है। तो यहां पर क्या है, ये इसको कहा जाता है, ये कोर एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज का, कोर एंजाइम और ये सिग्मा दोनों को जोड़ के इसको कहा जाता है होल एंजाइम। तो यहां पर जो इसको इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन बबल, बबल की तरह दिख रहा है। इन दोनों के बीच आप देखते हैं कि जो हाइड्रोजन बंद होता है वो टूट जाता है, ये तो हाइड्रोजन बंद है और यहां पर हाइड्रोजन बंद टूट जाता है। तो इसके लिए ये स्ट्रैंड आप देख रही है, ये और ये जो बबल है, ये बबल जो है आगे जैसे जैसे बढ़ता है हाइड्रोजन बंद आगे की तरफ इस तरफ डायरेक्शन में टूटते रहता है और पीछे की तरफ जुड़ते रहता है। इसी समय जो है यहां पर यानी कि ये है आपका 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ये वाला ऊपर वाला ये है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको लिख लेते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड जिस पर एमआरएनए बनेगा। यहां पर एमआरएनए बनना शुरू होता है, यहां पर एक एक न्यूक्लियोटाइड आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, इस प्रकार यहां पर न्यूक्लियोटाइड बनना शुरू होता है। कौन से डायरेक्शन में, ये होता है 5 5 इंड और 3 इंड या 5 प्राइम 3 प्राइम, ये है एमआरएनए जो यहां पर बन रहा है, ये एमआरएनए बनना शुरू हो गया, एमआरएनए बनना शुरू हो गया। अब ये बबल आगे बढ़ते रहेगा और ये स्ट्रैंड लंबा होते रहेगा। इसके बाद इलोंगेशन या दीर्घीकरण है, तो ये वाला जो हिस्सा है एमआरएनए का ये और लंबा हो जाएगा अगले स्टेप में, इसको इस प्रकार भी बनाया जा सकता है। ये है ये इस प्रकार बनाया जा सकता है, ये ये। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ये सिग्मा जो है सिग्मा यूनिट ये तो अलग हो जाता है, ये कोर एंजाइम आ रह जाता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ऐसी स्थिति में देखिए जो आरएनए होता है, आरएनए जो स्ट्रैंड होता है यहां पर ये आरएनए जो स्ट्रैंड है ये इलोंगेशन हो जाता है लंबा, ये देखें, और यहां पर हुआ ये 5 इंड, ये 3 इंड, इस प्रकार ये इलोंगेशन होता है। तो इनिशिएशन के बाद अगला जो स्टेप आप देख रहे हैं इसी को हम यहां देख सकते हैं, इसको दीर्घीकरण नंबर 2 जो स्टेप है इसको दीर्घीकरण या इलोंगेशन, इलोंगेशन हो रहा है या इसको कहते हैं दीर्घीकरण। इसी में जो अंतिम स्टेप है तीसरा है आपका टर्मिनेशन या इसको कहते हैं समापन। तो जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन या समापन क्षेत्र में या टर्मिनेशन पॉइंट पर पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि जो एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए बनने की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है, जो कि तीसरा स्टेप है। तो इसी प्रकार जो ये अनुलेखन है, अनुलेखन यहां पर समाप्त हो जाता है।